हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों की टू कलर में पैटर्न लेकर आई हूँ, वाइट और पिंक कलर में। ये नीचे से हमने फोर सिलाइयाँ सीधा सीधा बुन लिया है। आप यहाँ नीचे से बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये हमारा बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी पैटर्न है। 5 5 + 3 करके है। ये बीच में हमने 5 फंदे लिए हैं और ये जो हमने पैटर्न बनाया है पिंक कलर से, यहाँ हमने 3 फंदे लिए हैं। ये हमारा राइट साइड है और ये बैक साइड है। बैक दोनों धागा हमें साथ में लेकर चलना होगा, वाइट और पिंक वाला इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने नीचे यहाँ पे बनाया हुआ है, फिर हमने इसको इसके बीच में जो खाली है 5 फंदे लिए थे इसके ऊपर बीच में यहाँ से बनाया है, यहाँ और यहाँ। तो वही हम जो हमने नीचे बनाया है यही हम ऊपर रिपीट करेंगे। तीसरा पैटर्न, तीसरा डिजाइन बनाएंगे तो इसके ऊपर यहाँ से बनाएंगे और ये वाला इसके ऊपर यहाँ बनाएंगे। इसी तरह से हम रिपीट करते जाएंगे। ये पैटर्न बनाने के बाद दो सिलाइयाँ हम उल्टा सीधा बुनेंगे वाइट कलर से, फिर हम अपने पिंक कलर से पैटर्न बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो की इसी तरह आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसको तो हमारी वीडियो लास्ट तक, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप इसे लेडीज़ जैकेट, लेडीज़ कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर में ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ही छोटा पैटर्न है। यहाँ पे हम वाइट कलर से दो सिलाइयाँ बुनेंगे उल्टा और सीधा। फर्स्ट रो हम सीधी बुनेंगे, फिर बैक साइड से उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। दो सिलाइयाँ बुनकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा स्टिच करेंगे। अब ये जो नीचे हमने पैटर्न बनाया है जस्ट हमें इसी के ऊपर यहाँ 1 फंदा पिंक वाले कलर से बुनना है। सीधा ही बुनेंगे इस तरह से। अब बीच के हम 5 फंदे वाइट कलर से बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये बीच वाला जो हमने यहाँ पैटर्न बनाया है इसी के ऊपर जस्ट हमें ये दूसरा पैटर्न बनाना है। 1 फंदा डालेंगे, फिर अगला 5 फंदा, 5 + 1 करके इसी तरह से हमें बुनना है। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है पैटर्न की। 5 फंदे बुनेंगे, फिर वही 1 फंदा हम इस तरह से बुनेंगे पिंक कलर से। फर्स्ट रो हमने बुन लिया है पैटर्न का। अब हम बैक साइड से सेकेंड रो बुनेंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। ये जो हमारा 3 फंदा है, 3 फंदा हम वाइट कलर से, 2 फंदा वाइट कलर से बुनेंगे और ये जो हमारा 1 फंदा बुना था पिंक कलर से, अब इसको हम 3 फंदा करेंगे। एक इधर वाला बुनेंगे पिंक कलर से इस तरह से, 1 2 और ये 3। अब इसको हम 3 फंदा करेंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला। राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से हमें लेना है 1 फंदा। अब यहाँ पे हम बीच में 3 फंदे वाइट कलर से बुनेंगे। इसको भी हम उसी तरह रिपीट करेंगे, 3 फंदा बुनेंगे। अब बीच के यहाँ हम 3 फंदा बीच में, 1 2 3 वाइट कलर से 3 फंदा बुनेंगे। अब ये वाला भी हमें 3 बुनना है। इसी तरह से हम सेकेंड रो बैक साइड से बुनकर कंप्लीट करेंगे। बैक साइड से हमने सेकेंड रो बुनकर कंप्लीट कर लिया है। राइट साइड से थर्ड रो बुनेंगे, 1 फंदा हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे हम ये 1 फंदा, ये जो हमारा 3 फंदा है, 3 फंदों में हम आगे वाला पहला फंदा इसको बुनेंगे 1 फंदा पिंक कलर से, और ये बीच वाला हम बुनेंगे वाइट कलर से, फिर लास्ट वाला हम बुनेंगे पिंक कलर से इस तरह से।
बीच वाला फंदा हम वाइट से बुनेंगे और दोनों साइड वाला पिंक कलर से बुनेंगे। ये बीच में हमने जो थ्री फंदा बुना है इसको हम थ्री ही बुनेंगे वाइट कलर से, वन टू थ्री। और फिर वही हम रिपीट करेंगे, वन फंदा पिंक कलर से, वाइट फंदा वाइट वाले से, बीच वाला हम वाइट वाले से बुनेंगे वन फंदा, अब यहाँ हम लास्ट वाला भी पिंक कलर से बुनेंगे। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह हमें पैटर्न बनाना है। फिर अगला हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। ये देखिए, हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया है। कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर बनकर आया है। आप इसे बच्चों के स्वेटर में ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही छोटा पैटर्न है। अब हम बैक साइड से फोर्थ रो बुनेंगे। अब बैक साइड से हमें वाइट कलर से ही बुनना है, और ये जो हमारा पिंक कलर है इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, इसको हमें नहीं बुनना है। ये वाइट कलर से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, दो सिलाइयाँ हमें वाइट कलर से बुनना है, बैक साइड से उल्टा, राइट साइड से सीधा बुनकर दो सिलाइयाँ हम कंप्लीट करेंगे। बैक साइड से हमने उल्टा उल्टा वाइट कलर से बुन लिया है, अब राइट साइड से हम सीधा सीधा बुनेंगे। सारे फंदे हम सीधा बुनेंगे, उल्टा सीधा, दो सिलाइयाँ हमने बुन ली है। पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था पिंक कलर से, यहाँ से पैटर्न बनाना स्टार्ट किया था। अब हम बैक साइड से दूसरा पैटर्न बनाएंगे, तो बैक साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हमारा पैटर्न रिपीट होता जाएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बताने की कोशिश करूँगी। एक और वीडियो मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।